हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए डिलीशियस पराठा लेके आई हूँ, वो भी हेल्दी सा। इसे खाकर आप बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही टेस्टी और एकदम सिंपल सा पराठा है। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं अपने किचन में। तो उसके लिए हमने ले लिया है 2 कप आटा, 2 कप ले लिया बेसन और 1 कप ले लिया सूजी और नमक ले लिया है, मिर्च पाउडर ले लिया है, 2 चम्मच धनिया दही ले लिया है और 1 चम्मच अजवाइन लेके क्रश करके इसे डाल के और 2 चम्मच तेल ऐड करके इसको अच्छा सा डो बना लेना है, सॉफ्ट सा। तो ये देखिए हमने डो बना के रेडी कर लिया है और 5 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देंगे। तो हम देखिए इसे रोटियां पराठे बेल लेते हैं। तवे को चढ़ा लिया है, तब तक गर्म होते हैं, तब तक हम रोटियां पराठे के शेप में बेल लेते हैं। और ये देखिए हमने लोई काट के इसे पराठा का शेप दे दिया है। तो बहुत ही हेल्दी सा नाश्ता है ये। इसे दही चटनी या आलू की सब्ज़ी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसे अपने दही के साथ सर्व किया है और बहुत ही, अगर आपको गर्मी में कुछ ज़्यादा बनाने का मन ना करे तो आप ये पराठा और बना के दही के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए हमने पराठा बना लिया है और तवा भी है, गर्म हो चुके हैं। तो इसे दोनों साइड से अच्छी तरह से हम सेक लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी, क्योंकि इसमें बेसन और सूजी और आटा है, ना मैदा है और ना ही कोई कॉर्नफ्लावर। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा पराठा है। तो दोनों साइड से हम इसे ऑयल लगा के, आप चाहो तो घी या बटर के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, सेक सकते हो आप। तो मैंने रिफाइंड ऑयल के साथ इसे सेक लिया है। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा बन के रेडी हो चुका है। तो आप भी इंजॉय कीजिए इसे, दही चटनी या हरी चटनी के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मैंने दही के साथ इंजॉय किया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।